conduction, convection and radiation. Okay, so heat can be transferred by conduction, convection and radiation. Anyananda, can you tell me what are the different ways of transfer of heat? Yes, sir. Yes, tell me the answer. Sir, the... Yes? Sir, the main ways by which transfer of heat occur are conduction, convection and radiation. Very good, Anya. So that is conduction, convection and radiation. Now let us know about the conduction. So conduction occurs when two objects at different temperature are in contact with each other. जैसे कि हमें पता है कि दो ऑब्जेक्ट अगर अलग अलग टेम्परेचर पे है तो क्या होगा, हीट का ट्रांसफर होगा। मान लो दो ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट ये, एक ऑब्जेक्ट ये, ये 100 जूल एनर्जी पे है, ये 10 जूल एनर्जी पे है, तो हीट ट्रांसफर होगा यहाँ से यहाँ, होगा ना। लेकिन ट्रांसफर तब होगा जब ये कॉन्टैक्ट में होगा, तब इस तरह का ट्रांसफर इससे होगा, तो ये कहलाएगा कंडक्शन। बिना कॉन्टैक्ट का ट्रांसफर होगा तो उसे कंडक्शन नहीं कहेंगे। समझे बात को? देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना कॉन्टैक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट अगर कॉन्टैक्ट में है, ये 100 पे है, ये 10 जूल पे है, ये कॉन्टैक्ट में, इस वजह से हीट का ट्रांसफर होगा इधर, तो इस तरह का कंडक्शन, इस तरह का जो हीट ट्रांसफर है जिसे हम लोग कंडक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ कोल्ड मेटल रॉड इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद द फ्लेम, हीट फ्लोज फ्रॉम द फ्लेम टू द मेटल रॉड, है ना। फॉर एग्जाम्पल, इफ सब्जी बन रहा है, उसमें अगर हम लोग करछुल या तरछुल जो होता है वो अगर रख दिए और वो भी गर्म हो गया, तो वो क्या कहलाएगा, कंडक्शन ना। यस सर। या फिर हम लोग अगर चाय बना रहे हैं और वो सस्पेंड गर्म हो गया, तो किस वजह से हो गया, कंडक्शन की वजह से ना। बोलो। यस सर, कंडक्शन की वजह से हो। यस सर, कंडक्शन। तो कंडक्शन के लिए मेन इम्पोर्टेंट क्या है कि दो ऑब्जेक्ट जो अलग अलग टेम्परेचर पे है, दोनों कॉन्टैक्ट में होना चाहिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, सर कंडक्शन होता कैसे है, क्यों हो जाता है कंडक्शन, कैसे ट्रांसफर हो जाता है। तो जो मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसका जो पार्ट कॉन्टैक्ट में है फायर के, है ना, जो हीट के कॉन्टैक्ट में है, यहाँ से हीट रिलीज हो रहा है, तो अब ये मॉलिक्यूल्स जो है, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं पहले से, ये मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करना शुरू करेंगे, इसके वजह से इसके बगल वाले मॉलिक्यूल्स भी वाइब्रेट करेंगे, फिर इसके वजह से इसके फिर बगल वाले मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट, तो ऐसे ही करके तो हीट ट्रांसफर होता है ना। समझ रहे हो? यस सर। ओके। यस। वी हैव डन दिस एक्टिविटी आल्सो टू शो दैट कि हीट फ्लोज फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, ये एक्टिविटी हम लोग किए है ना। यस सर। हाँ, गुड एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट में हम लोग पढ़ रहे थे कि विंटर में हम लोग एक रॉड अगर टच करते हैं और एक लकड़ी छूते हैं, तो रॉड जो है ठंडा हमें लगता है, लकड़ी ठंडा नहीं लगता, ऐसा क्यों, कौन बताओगे? यस, सर्दियों में इफ यू फील अ मेटल एंड अ वुडन ऑब्जेक्ट इन विंटर मॉर्निंग, सर्दी के मॉर्निंग में आपने मेटल या वुडन ऑब्जेक्ट को टच किया, तो मेटल फील्स कोल्डर, व्हाई? मे आई सर? ओके अन्यानंद। सर, द मेटल फील कोल्डर बिकॉज इट कंडक्ट हीट एनर्जी। यस, कंडक्ट हीट एनर्जी। सो व्हाट हैपेंस इनसाइड आवर बॉडी, द हीट व्हिच इज स्टोर्ड, हमें पता है हमारे बॉडी में हीट उस समय ज़्यादा होता है, मतलब हमारा बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, 37 डिग्री सेल्सियस अगर है तो उतना हीट है हमारे बॉडी में, बट सर्दी मतलब ठंडी का समय है एंड मॉर्निंग का समय है तो ठंड ज़्यादा रहता है, तो उस समय लोहे में कितना हीट होगा, हो सकता है 10 हो या 12 हो, है ना टेम्परेचर उसका, तो हमारे बॉडी से जो हीट है वहाँ पर फ्लो होगा, ठीक है। ओके, शिवम, शिवम कैसे है तुम्हारे पास, कुछ उसे पूछ लो ना, क्या चाहिए, कुछ चाहिए मंगा के। और कोई बताएगा विंटर में हमें क्यों मेटल्स ठंडे लगते हैं?
करण बताओगे? करण राज, करण, ओके अभ्यारण सर बता तो सकते हैं, लेकिन सर हम कैमरा ऑन नहीं कर सकते सर, वो तबीयत थोड़ा खराब है और मेरा पूरा फेस सर वो। कोई बात नहीं, बताओ 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 बताओ, कोई बात नहीं, आंसर बताओ। सर ठंडा के मौसम में सर आप जब मेटल का कोई चीज छूते हैं तो आपको इसलिए ठंडा लगता है क्योंकि आपके हाथ से जो हीट जा रहा है उसके अंदर, वो हीट आपके हाथ के अंदर जो हीट उसके अंदर जा रहा है तो उसके कारण आप हाथ ठंडा फील होता है सर। अगर पता है सर, हाँ वही, अगर आप उसको वुड में छुएंगे तो वुड कंडक्टर, वुड में वुड कंडक्टर नहीं है सर हीट का, इसके लिए आपको आपका उतना ठंडा फील नहीं होगा सर उससे, और उसमें ज्यादा जल्दी हीट भी नहीं जाता है। यस ओके, नेक्स्ट पर जाएं। ये एक्टिविटी किए थे ना हम लोग? यस सर। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट पढ़ चुके थे कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट क्या होता है, जैसे हम लोग अभी बहुत सारे बर्तन में लगा हुआ रहता है ना बैकेलाइट, और ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का बना होता है जो हीट कंडक्ट नहीं करता और हीट से वो मेल्ट भी नहीं होता है ना। आज हम लोग पढ़ने वाले थे कि एयर इज़ अ गुड हीट इंसुलेटर, हमें पता है एयर जो है वो गुड हीट इंसुलेटर कहलाता है, मतलब हीट को वो कंडक्ट नहीं करता है। सो सील्स, सील्स क्या होते हैं पता है? सील्स एंड पोलर बियर्स दैट लिव इन कोल्ड आर्टिक रीजन हैव थिक लेयर ऑफ फर, इनके बॉडी पे बहुत मोटा लेयर एक फर का। द फर ट्रैप्स एयर फ्रॉम फॉर्म्स एन एक्सलेंट हीट इंसुलेटिंग लेयर, तो इनके जो बॉडी पे फर होता है वो क्या करते हैं, एयर को ट्रैप कर लेते हैं। जैसे हम लोग स्वेटर पहनते हैं तो हमारे स्वेटर के बीच में एयर जो है वो ट्रैप हो जाता है, जिस वजह से हमारे बॉडी से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में एक इंसुलेटिंग बन जाता है ना। बोलो। तो उसी तरह इनके बॉडी के ऊपर जो फर है, फर जो क्या है वो एयर को ट्रैप कर लेता है एंड फॉर्म्स एक्सलेंट हीट इंसुलेटिंग लेयर। द लेयर ऑफ ट्रैप्ड एयर कीप द एनिमल्स कंफर्टेबली वार्म, तो एयर जो ट्रैप हो गया उनके बॉडी पे जिस वजह से अंदर जो है ट्रांसफर नहीं होगा हीट, या फिर अंदर से बाहर ट्रांसफर नहीं होगा और वो कंफर्टेबल होते हैं। इवन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर अगर -20 डिग्री भी चला गया फिर भी वो सेफ रहते हैं। सोचो कैसे, कि उनके बॉडी के ऊपर फर है और फर में एयर ट्रैप हो जाता है जिस वजह से इनका बॉडी हीट जो है बाहर रिलीज नहीं होता, क्योंकि बाहर तो -20 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, है ना। Yes, yes, sir. So similarly, a house made of brick remain cool in summer. So ईंटे का बना हुआ जो घर है वो ठंडा रहता है गर्मियों में, because brick are porous and trap air. तो bricks जो होते हैं ना वो porous होते हैं, उसमें air trap हो जाते हैं। सर ये लोग इग्लू का घर कैसे बनाता है सर? इग्लू का भी बनता है क्योंकि उसके अंदर जो सुबह सुबह जो वो सन का हीट जाता है, जितना देर रहता है सन का हीट, तो उसके अंदर ट्रैप हो जाता है उसका वो हीट, इसलिए वो रात भर तक गर्म रहता है। हाँ। तो हमारे घर का बात कर लो ना, हमारे घर जो ब्रिक के बने हुए हैं तो गर्मियों में क्या होता है कि बहुत हीट ट्रैप कर लेता है सर, फिर भी ब्रिक के वजह से हम लोग बच जाते हैं। यस सर। ब्रिक आर पोरस एंड ट्रैप एयर इन हॉट डेजर्ट रीजन ऑफ गुजरात पीपल बिल्ड मड हाउस विथ रूफ कवर्ड विथ द काइंड ऑफ ग्रास। गुजरात में डेजर्ट रीजन में वो मिट्टी का घर बनाते हैं ऊपर से बिचाली वगैरह दे करके। सर मड का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि सर ठंडा के गर्मी के मौसम में ठंडा देता है, ठंडा के मौसम में गर्मी देता है सर उसके अंदर। विद अ काइंड ऑफ ग्रास उसके ऊपर रहते हैं एंड द मड वॉल बीइंग हाईली पोरस डू नॉट कंडक्ट हीट, जिस वजह से वो हीट कंडक्ट नहीं करते हैं। एंड द रूफ टू डज नॉट कंडक्ट हीट बिकॉज ग्रास इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, तो ऊपर जो ग्रास दिए हैं वो भी हीट कंडक्ट नहीं करते हैं, क्यों? बिकॉज दिस इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। नाउ माई क्वेश्चन इज दैट कि हाउ डज सील्स एंड पोलर बियर एबल टू सर्वाइव इन द आर्टिक रीजन, हु विल से दिस आंसर? अमन सर प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। मानस
पोलर बियर एंड सील हाउ सर्वाइव इन द आर्कटिक। सर हिंदी में एक्सप्लेन कर रहे हैं। इंग्लिश में कर दो ना, लिखा हुआ है तो हिंदी में तो सबको पता ही है, इंग्लिश में बोलो। Seals and porpoises that live in the polar Arctic region have thick layer of fur. The fur traps air and forms an excellent heat insulating layer, and warms even at atmospheric temperature drops below minus 20 degrees Celsius. Okay. All going. You have to present your camera if you are speaking anything. Sir, can I? Yes, sorry, Raj. Sir. Seals and polar bears that live in cold Arctic region have thick layer of fur that traps air and form excellent heat insulating layer. The layer of trapped air keeps the animal comfortably warm even when the atmospheric temperature drops below minus 20 degrees. Very good. Ayush Raj. Yes, sir. How seals and polar bear live in cold Arctic region? Sir, camera on करके बोलेंगे ना? हाँ. Seals and polar bear that live in the cold Arctic region have thick layer of fur. The fur traps air and forms an excellent heat insulator layer. The layer of trapped and air keeps the animals comfortably warm when the temperature or approximately temperature drop below minus 20 degrees. Yes, very good. So as we know, similarly, why houses made of brick remain cool in summer? Why houses made of brick remains cool in summer? Anyananda. Sir, camera on nahi karenge sir. Why? Main bhi off kar do fir. नो सर, कैमरा सर ऑन रहता है तो सर बोलने में थोड़ा नहीं। यस सर, वॉइस नहीं आता है। नहीं, उसमें फेशियल एक्सप्रेशन बहुत जरूरी है। बहुत लोग देख के बोलते हैं, बहुत लोग ऐसे ही बोलते हैं, बहुत लोगों को ऐसे ही आंसर पता है, तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपका। आप कैमरा ऑन करके बोलो। बढ़ता है लेकिन सर, जिनसे जो कभी कैमरा में होता है सर, कैमरा ऑन करने बिल्कुल हेजिटेशन होता है, वो मुझे पता है, मुझे खुद होता था। मैं खुद कैमरा में देख सर, मेरे सर पे बाल भी नहीं है। क्या बात कर रहे हो? सर कैन आई? यस अमन, कैसे? क्लियरली अ हाउस मेड अप ऑफ ब्रिक रिमेनिंग कूल इन समर बिकॉज़ ब्रिक आर पोर्सली एंड ट्रैप एयर इन हॉट डेजर्ट रीजन ऑफ ग्रास पीपल वुड मेड हाउस विथ अमन कवर्ड अमन बस इतना ही। अमन बस हम पूछे कि घर जो ब्रिक्स के क्यों बने होते हैं, ब्रिक्स के बने होते हैं, ठंडे क्यों होते हैं? यस बोलो। ओके सर, अ हाउस मेड ऑफ ब्रिक्स रिमेन्स। म्यूट योर कॉल अन्या, नंदा डोंट से लाइक दैट। यस राजवीर गुप्ता, राजवीर, मानस, हाउस मेड ऑफ ब्रिक रिमेन कूल इन समर, व्हाई? द हाउस मेड ऑफ ब्रिक्स ब्रिक्स कूल इन समर बिकॉज़ हाउस मेड ऑफ ब्रिक्स मेड अप ऑफ ब्रिक्स दैट ट्रैप्स एयर। यस एंड दैट आर पोरस। मानस, यू आर लुकिंग गुड, नाइस हेयर स्टाइल। सर बाल कटवा लिए थे सर, पापा ने कटवा लिए। बहुत अच्छा बड़ा हो गया था। नहीं, अच्छा लग रहा है, सच में अच्छा लग रहा है। सर हम तो दिखाई नहीं सकते सर, मेरे बाल में तेल लगा हुआ है, बाल पूरा बिखरा हुआ है सर, और मुंह अभी धोए नहीं है सर, क्योंकि हम नहाए नहीं अभी तक, अभी तक तबीयत ठीक नहीं ना हुआ है सर मेरा। ठीक कर लो तबीयत, ठीक कर लो, फिर बोलना। सर कल दो बार उल्टी हो चुका है, इसलिए अभी तक पूरा कमजोरी है सर। In hot desert region of Gujarat, people build mud houses with roof covered with the kind of grass. Why? In hot desert region of Gujarat, people build mud house with rough with roof covered with a kind of grass. Why? Who will give this answer? Raise your hand.
सर क्वेश्चन से लिख दिया है सर बुक से सर। सर क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन है कि गुजरात में लोग मड का हाउस बनाते हैं। कोमल नहीं है क्लास में? कोमल कृतिका ये लोग सेक्शन सी के क्या नहीं सर आंसर है सर। तो वो लोग क्यों नहीं सर जवाब दे रहे हैं? है सर। तो कैमरा ऑन नहीं करना है क्यों सर? घर में सर आदमी सर। तो क्या हुआ, मेरे भी घर में तो आदमी है। आंसर बोलते इस टाइम करना है, फिर बंद कर देना है। मेरे सेक्शन सी के स्टूडेंट्स कोई नहीं जवाब देंगे। सर आपको समझ नहीं आया सर, वो नाम बोल सर एक बार फिर से समझा दीजिए ना। कौन सा घर वाला सर? जो अभी आप खोजने में बोले ना सर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोले हैं? कि डेजर्ट एरिया में मिट्टी का जो वाल बनता है, दीवार बनता है, और ऊपर से छत जो है वो घास का बनता है, क्यों? यही ना क्वेश्चन था? यस सर। ओके, क्यों होता है? अनु कुमारी बोलो। अन्यानंदा यू कैन प्रेजेंट दी स्क्रीन, यू हैव डन दिस टू टाइम्स, डू दिस वंस अगेन, तभी तुम्हें देख करके कोई सीखेगा ना। देखो सबसे पहले हमारे कंट्री में आईपीएस किरण बेदी बनी ना, अब अगर वो नहीं बनती अगर आईपीएस तो बाकी लोग तो बाकी फीमेल तो कभी नहीं लगता उनको कि हम बन सकते हैं आईपीएस। सो यू शुड ट्राई, अगर आप ट्राई ही नहीं करोगे आपको देख के कैसे कोई सीखेगा। तो यू आर दी इंस्पिरेशन फॉर अदर्स। अन्या जैसी भी हो तुम इंस्पिरेशन बन चुकी हो इस क्लास में अदर गर्ल्स के लिए। किस बात का शर्माना, किस बात का हेजिटेशन, ये बताओ मुझे। क्या करने वाले हम लोग, फिल्म बना रहे हैं यहाँ पे, हीरोइन हो तुम? नहीं ना, वी आर दी पार्टिसिपेंट्स, वी आर प्रेजेंटिंग आवर सेल्फ। सर पानी को क्यों बोल रहे हैं? रोने लगी सर। सर बहुत बोल रही है। लेकिन गर्ल्स तो गर्ल्स, यहाँ पे बॉयज भी गर्ल्स हो गए, क्या मैं बताऊं? यस सर गौरव जी। यस सर। सर मानस राजवीर गुप्ता टेल मी in hot desert region of Gujarat people build mud houses and roof covered with the kind of grass, why? तो कैमरा ऑन करके बोल रहा है। हाँ और क्या सरवाना क्या सर कहना है? यस राजवीर। यस सर। द मड पोल being highly porous do not conduct heat, क्योंकि सर जो मिट्टी के जो घर के वॉल्स होते हैं उसमें मतलब porous के उससे कंडक्ट नहीं करते हीट, मतलब porous होते हैं तो आई थिंक उसमें एयर जाकर के ट्रैप हो जाते होंगे। यस सर। यस सो दैट इज द रीजन वो हीट नहीं कंडक्ट करते। और रूफ जो है वो रूफ का क्या हुआ? यस सर द रूफ टू डजंट कंडक्ट हीट बिकॉज ग्रास इज पुअर कंडक्टर ऑफ। यस सर रूफ की क्या होते कंडक्ट नहीं करते हीट बिकॉज grass bahut hi matlab poor conductor of heat. Yes so same reasons grass also do not conduct heat because ye poor conductor hote hain heat ke. Yes sir very good Rajvi. Here is an activity you have to do that place articles such as metal spoon, wooden stick or a pencil, plastic scale and a piece of wool in a kahan pe rakhna hai in a sir mug पोर्कलेन मग। अच्छा इस मग में रखना है। पोर सम हॉट वाटर इनटू द मग। अब हॉट वाटर भी मग में रख देना है। आफ्टर अ व्हाइल फिल द ऑब्जेक्ट टू फाइंड आउट द गुड एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। अच्छा इसमें हमें फाइंड करना है इन सबको कौन गुड कंडक्टर है कौन पुअर कंडक्टर हीट का। कौन कौन? मेटल स्पून, वुडन स्टिक लेना है या फिर पेंसिल ले लिए, प्लास्टिक लेना है, प्लास्टिक का स्केल होगा, मेटल स्पून, वुडन स्टिक, पीस ऑफ वुड, द मेटल स्पून, गुड कंडक्टर, द मेटल, सिर्फ मेटल स्पून, सर वुड स्टिक भी नाइस सर, स्टील रॉड नहीं सर, वुड स्टिक नहीं। नहीं जो जो हम लोग यहां पे मेटल स्पून और हम लोग इस मग में क्या क्या लिए हैं सर? मेटल स्पून, वुडन स्टिक, पेंसिल, प्लास्टिक स्केल सर, रूलर एंड प्लास्टिक इज बैड कंडक्टर सर, वुड रूलर क्या है मेटल इसमें सर, रूलर रूलर
रूलर क्या क्या बनाया सर? कहाँ रूलर है? ग्लास पे, ग्लास सर, ग्लास। सर मेटल स्पून होगा सर, गुड कंडक्टर हीट का, और जब पुअर कंडक्टर। ओके, ये इसका आंसर बताओ। थर्मल एनर्जी, अनम्यूट नहीं करना है किसी को भी। थर्मल एनर्जी फ्लोज बिटवीन ऑब्जेक्ट ड्यू टू डिफरेंस इन, ये मुझे भी पता है आंसर क्या होगा। और लिखने का ऑप्शन आपके पास है नहीं। अंकित राज, कैमरा ऑन करके आंसर बोलना है, फिर म्यूट कर देना कैमरा को तुरंत में। कौन बोलना चाहोगे? फैट टेम्परेचर होगा। यस अंकित, यू आर वेरी करेक्ट, टेम्परेचर होगा। चलो मैं टेम्परेचर मार्क कर देता हूँ। नेक्स्ट, मॉलिक्यूल इन अ सॉलिड वाइब्रेट डस। आई सर, डू नॉट, नो 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 नो, डू नॉट से द आंसर, दैट्स बैड हैबिट। इफ यू वांट टू से द आंसर, सामने आओ, बिल्कुल लीडर हो करके सर, सामने कैमरा ऑन करके बताओ। यस सर, कैमरा ऑन करेंगे सर, फास्टर सर। अभय आनंद बोलिए। हाँ अभय आनंद बोलो, कैमरा ऑन कर दो ना, क्या होगा, तबीयत ठीक हो जाएगी। अरे बहुत अच्छे दिख रहे हो, तबीयत भी ठीक लग रहा है। अबे एकदम हीरो लग रहा है, शाहरुख खान की तरह। अबे अनम्यूट तो करो। हाँ सर, फास्टर फास्टर होगा, मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड वाइब्रेट फास्टर, वेरी गुड अबे, इसका फास्टर हो जाएगा। सर सर थोड़ा प्रॉब्लम नहीं है ना सर? फास्टर व्हेन हीटेड, यस सर। नेक्स्ट है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होगा? फ्लूइड के थ्रू ट्रांसफर होगा, है ना, जो कि हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है? मजा तो आ रहा है, टाइम ऑलमोस्ट हो गया। हाँ, लेकिन आप लोग, हाँ अमन सर, हम लोग 7C में, तो सर हम लोग लेफ्ट कर जाएंगे ना? हाँ 7C वाले लेफ्ट कर जाएंगे। ओके, 7C और 7A दोनों लेफ्ट कर जाएंगे। आप लोगों के लिए बस यहीं तक था सफर। ओके सर, ठीक है। और क्या, देखो आप लोग अपने अंदर कॉन्फिडेंस, हेजिटेशन क्या है ना, वो एक तरह से कहो तो बीमारी है। बहुत लंबे समय तक हेजिटेशन रह गया ना, तो ये बीमारी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो आप हेजिटेशन किस लिए हेजिटेशन करेंगे, किससे हेजिटेशन करेंगे, किसे आता है? अब एक बात बताओ, किसे ऐसा लगता है कि मुझसे ज़्यादा सबको आता है? कोई है ऐसा यहाँ पे? तो हेजिटेशन किस बात का? यू ऑल आर इन ग्रोइंग स्टेज, आप मिस्टेक करोगे, मिस्टेक आपका करना है, आप करोगे, मिस्टेक नहीं करोगे तो कैसे मैं बताऊंगा कि ये आपका मिस्टेक है, आप इसे सुधार करो। सो ये सबसे होता है, इवन मुझसे भी होता है। सो हेजिटेशन, यस सर, हेजिटेशन अगर हम पालेंगे तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। सो बेटर वी शुड लीव दिस हियर। क्या फर्क पड़ता है, कैमरा ही तो ऑन करना है, हम तो क्लास में तो सबके सामने थे ना, और अभी तो क्लास के ही हैं सब लोग, बाहरी कोई है।